और वहीं आज हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से वो मुलाकात करेंगे, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव नतीजों को लेकर यशपाल आर्य से चर्चा करेंगे, मुलाकात के बाद अपने गांव मोहनरी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो देखिए आज हल्द्वानी में पूर्व सीएम होंगे, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से वो मुलाकात करेंगे और जानकारी इस बात की है कि चुनाव नतीजों को लेकर यशपाल आर्य से वो चर्चा करने वाले हैं, इसके बाद वो अपने गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मोहनरी के लिए हरदा रवाना हो जाएंगे इस मुलाकात के बाद, लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि कई विषयों को लेकर यशपाल आर्य से वो चर्चा करेंगे, चुनावी नतीजों को लेकर यशपाल आर्य से बात करेंगे। वैसे तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बीच में यशपाल आर्य से मुलाकात करके तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, ये इनपुट है। ज्यादा जानकारी के साथ अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हरदा के कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? यशपाल आर्य से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन विषय क्या होगा? देखिए अजय, आपको बता दें कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आज हल्द्वानी में है और हल्द्वानी में अपने वरिष्ठ साथी कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजे 10 तारीख को आने हैं। 10 तारीख से पहले पहले क्या स्थिति है, क्या प्रोसेस चल रही है, उसकी रूपरेखा के बारे में विस्तार रूप से यशपाल आर्य से वार्ता करेंगे। साथ ही साथ नैनीताल जिले की क्या स्थिति है, आगामी 10 भले ही 10 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले नैनीताल जिले में क्या स्थिति है, उस पूरे परिणाम को लेकर उस पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात के बाद अपने गांव मोहनरी के लिए हरदा रवाना हो जाएंगे और जानकारी के चुनावी नतीजों को लेकर यशपाल आर्य से वो चर्चा करने वाले हैं।